पुरुषोत्तम मासाय देवताम पुरुषोत्तम तस्मात् संपूजयेत भक्त्या तस्मात् संपूजित भक्त्या श्रद्धाय पुरुषोत्तमं श्रद्धाय पुरुषोत्तमं। पुरुषोत्तम मास, स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान पुरुषोत्तम ने इस महीने को स्वीकार किया, इसलिए इस महीने का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की बहुत 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 महिमाएं हैं वेदों में, शास्त्र में, बृहद नारदीय उपनिषद में बहुत सुंदर है। पुरुषोत्तम महीने की महिमा नहीं, पुरुषोत्तम महीने की जो महिमा है, जो महात्म्य है, उसकी महिमा मैं आज आपको बताऊं। पुरुषोत्तम महीने की महिमा तो हम आने वाले दिनों में समय समय पर सुनेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम महीने का जो व्रत रहता है, पुरुषोत्तम व्रत, उस व्रत रहने की जो महिमा सुनता है, सुनने वाला, व्रत रहने वाला नहीं, आप लोग तो साग भाजी खाते होंगे, फ्रूटी केवल खाते होंगे, अन्न बन्न सब छोड़ दिए होंगे, वो मोंगा नो पड़ता, बस इज मारे केवानो छे कि भाई मैं तो केवल सफरजन खाऊंगा, मैं तो केवल ये, मैं तो ये, तब मोंगा पड़ो छो। खैर, तो जो व्रत रहता है उसको तो फल अनंत अनंत गुना मिलता है, लेकिन व्रत रहने की जो कथा है अद्भुत है भक्तों। मैं बृहद नारदीय उपनिषद, वास्तव में मूल रूप से तो इसके प्रवक्ता भगवान कृष्ण है, परंतु यह इतिहास भगवान नारायण ने नारद मुनि को सुनाया और फिर वही इतिहास सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, सूत जी ने सुनकर फिर वही कथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाई, अनेकों जगह पर यह कथा है। और हम तो भक्तों, आप सब जानते हैं, अब तो एक आदत सी बन गई है कि कोई भी कार्य प्रमाण से करना। मैं आपको कहूं, मैं आपको आज चैलेंज दूं कि आपने पुरुषोत्तम महिमा बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जिस प्रमाण से आप सुनोगे, श्लोकों के साथ, उनके शब्दों को समझकर, मैं आपको गारंटी देता हूं पहली बार, क्योंकि ये उपनिषद ही किसी के पास, ये पुराणी नहीं होगा, ये तो मुझे आज रात को 2 बजे ये पुराण मिला हमारी लाइब्रेरी से, और फिर मैं रात भर इसको पढ़ा कि भाई तो चमत्कार है, तो इतनी सारी बात है। तो कुछ श्लोक मैंने आपके लिए यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ। बृहद नारदीय उपनिषद में ऐसा लिखा है कि एक समय की बात, पार्वती ने यह पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था। देवी पार्वती कैलाश में रहती हैं, शिव और पार्वती पावन गृहस्थ जीवन चल रहा है, और ये पवित्र पुरुषोत्तम कैलाशमय पुरुषोत्तम मास हो मधुसूदन प्रभु, केवल धरती पर ही नहीं होता, कैलाश में भी इसको फॉलो करते हैं, है? देवी पार्वती ने भी फॉलो किया, और देवी पार्वती ने पुरुषोत्तम मास रहकर एक दिन अपने पति से कहा कि प्रभु, मैं पुरुषोत्तम मास ये व्रत तो पालन कर रही हूँ, लेकिन इस व्रत का पालन करते हुए मुझे क्या दान करना चाहिए, कुछ मेरी दान करने की इच्छा हो रही है। समझ में आ गया ना आपको भूमिका, कि व्रत चल रहा है और चलते हुए व्रत में देवी पार्वती ने शिव जी से कहा कि मैं ये पुरुषोत्तम व्रत तो रह रही हूँ, अब पुरुषोत्तम व्रत कैसे रहना है, समय रहा तो मैं आपको बता दूंगा संक्षिप्त में, लेकिन ये पुरुषोत्तम व्रत रहते हुए मुझे धर्म करना है। हाँ, पार्वती ने कहा मुझे धर्म करना है, और पतिदेव कलयुग में तो एक ही धर्म का एक ही चरण बचा है और वो है दान, तो बताइए कि सबसे बड़ा दान कौन सा है इस दुनिया में, वो मैं करना चाहती हूँ। तब अब शिव जी के ये वचन है, देवाधिदेव महादेव कैलाश के शिखर पर इस वचन का उच्चारण अपनी पत्नी पार्वती से करते हैं। न शक्यम किंश्चिदेव अस्ति दानं पुरुषोत्तमे
व्रत पूर्ण विधिम कर तुम अर्पणे छंदसी क्वचित अर्पणे छंदसी क्वचित न शक्यम किंचित देवी अस्ति दानम श्री पुरुषोत्तम है। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने की बराबरी का कोई दान नहीं है। व्रत पूर्ण विधिम कर तुम अर्पणे छंदसी क्वचित, छंद माने वेद। अब शिव जी कहते हैं कि छंदसी, छंद माने वेद, वेदों में क्वचित कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि पुरुषोत्तम महीने महीने का व्रत कोई पालन करे और पुरुषोत्तम व्रत से कोई बड़ा दान हो। तो इसका अर्थ शिव जी का कहना यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वह है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना। कलयुग का धर्म है दान और सबसे बड़ा दान यह है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करें। इस अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास का पालन करें। फिर अगले श्लोक में कहते हैं यद्दानं गिरी सुते युत्तमं परिकीर्तितं श्री कृष्ण वल्लभे मासी तत्सर्वं गौणतागतम। जब इस प्रकार से शिव जी ने कहा ना कि भाई कोई ऐसा वेदों में नहीं है, तो पार्वती लिस्ट बताने लगे कि पति देव ये तो ये दान ये दान ये दान ये दान ये दान। तो कहते हैं यद्दानम गिरी सूते, हे गिरी, गिरी माने हिमालय, ये हिमालय की सूते माने कनिया, हे हिमालय की कनिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी हिमालय की तरफ बड़ा है। देखिए एक एक संबोधन भी प्रसंग के अनुसार होता है। देवी मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल तुम्हारा हृदय भी हिमालय की तरह विशाल है और तुम कुछ दान देना चाहती हो और तुम ये पूरे दान का लिस्ट बता रही हो, लेकिन ये ही उत्तमम परिकीर्तितम, तुमने जितने भी दान बताए पुरुषोत्तम महीने में तत् सर्वम, वो सारे दान गौणताम गतम, वो सारे दान जो है वो गौण है, गौण माने सेकेंडरी है, वो सब छोटे हैं। तो एक बहुत सुंदर बात इस श्लोक में है कि पुरुषोत्तम मास का और एक नाम नोट कर लीजिएगा, अधिक मास मल मास और पुरुषोत्तम मास, ये तीन ही जानते थे ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, कृष्ण वल्लभे मासी। ये पुरुषोत्तम मास कैसा है, कृष्ण वल्लभ है, वल्लभ माने प्रिय, कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण, मासी माने महीना। ये महीना कैसा है, कृष्ण वल्लभे मासी, ये कृष्ण वल्लभ मास, पुरुषोत्तम मास कृष्ण वल्लभ मास, अर्थात वल्लभ माने प्रिय, भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय ये महीना है। और इस सबसे अधिक इस प्रिय इस कृष्ण के इस महीने में जितने भी दान है तत् सर्वम, वो सारे दान गौण ताम गतम, वो सब छोटे हैं। पुरुषोत्तम व्रत के सामने, पुरुषोत्तम मास में आप जो व्रत लेते हैं उस व्रत, ये व्रत के बारे में मैं बताऊंगा, आप केवल माइंड में रखिए कि उस व्रत के सामने दुनिया के सारे दान गौण हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि चलो एक्स्ट्रा मंथ मिल गया है, इस एक्स्ट्रा मंथ में हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, थोड़ा बिजनेस कर लेंगे, काम धंधा करके पैसा कमाएंगे और बहुत सारा पैसा दान कर देंगे, तो शिव जी यहाँ पर कहते हैं कि सारा दान तत्सर्वम गौण ताम गतम, ये सारे दान छोटे पड़ जाएंगे पुरुषोत्तम व्रत के आगे। इसका अर्थ यह है कि इस महीने में कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्य है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना। साक्षात भगवान नारायण निवेदन करते हैं इस श्लोक में पुरुषोत्तम मास उसकी महिमा के विषय में, तस्मादेतान्द्रशम दानम नैवास्ति क्वापि सुंदरी येन ते व्रत संपूर्ति भवेत श्री पुरुषोत्तमे भवेत ते श्री पुरुषोत्तमे। कहते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने, शिव जी कहते हैं कि ऐसा मैंने यह महात्म्य सुनकर निश्चय किया है,
तस्मात एतादृशम दानम नैव अस्ति क्वापि सुंदरी। अर्थात पुरुषोत्तम व्रत पालन करना, एतद इस प्रकार के दृश्यम, इसकी दृष्टि में, इसकी कंपैरिजन में नैव अस्ति, किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं है। येन ते व्रत संपूर्ति भवेत श्री पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो व्रत रहता है, उस व्रत से बड़ा कार्य धर्म दान इस दुनिया में और कोई नहीं है। अतः वे कहते हैं कि व्रत रहना तो बहुत बड़ी चीज है, उस व्रत के महात्म्य की कोई कथा सुने। कहते हैं सर्वेभ्यो साधनेभ्यो यम मास श्री पुरुषोत्तम वरियान निश्चयो मेद्य श्रुत्वा महात्म उत्तमम। कहते हैं कि सर्वेभ्य साधनेभ्यो यम, सर्वेभ्य सभी साधनों में, साधन तो आप सब जानते ही हैं, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्रेम आदि प्राप्त करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं उसे साधन कहते हैं, है ना। तो सर्वेभ्य मतलब सभी प्रकार के साधनेभ्यो, सभी प्रकार के साधनों में मास श्री पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम मास व्रत जो है, वरियान, वरियान माने उसे मैं वरण करता हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ है। निश्चयो में, ये मेरा निश्चय है। तो सभी साधनों में पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना ये वरियान है, ये वरण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ उत्तम है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए अतः श्रुत्वा महात्म्य उत्तमम, इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास के इस महात्म्य का श्रवण करो। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कैसा है तो कहते हैं श्रुत्वा अपि जायते भक्तिया। पुरुषोत्तम व्रत रहने की बात दूर है, पुरुषोत्तम जो व्रत रहता है उस पुरुषोत्तम व्रत रहने की जो महिमा है, उस महिमा को यदि कोई सुन लेता है, श्रुत्वा अपि केवल सुनता है, व्रत रहने की बात तो दूर रही। जैसे हम भागवत में वो सिद्धांत लागू पड़ता है, केवल भागवत सुनना है, भागवत सुनने के बाद करो वो बात अलग है। तो इस पुरुषोत्तम मास की कोई कथा सुनता है, श्रुत्वा अपि जायते भक्तिया, एक तो सुनने मात्र से जायते, जायते माने जन्म लेगी, उत्पन्न होगी क्या, भक्तिया भक्ति। पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा सुनने से भक्तिया जायते, भक्ति जन्म लेगी, भक्ति उत्पन्न होगी, एक। और दूसरा महापाप क्षयो नृणाम, इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से महापाप, बड़े बड़े पाप क्षय हो जाएंगे, निर्णाम। तो किम पुनः श्रद्धया करतो, कहते हैं कि केवल सुनने मात्र से जब भक्ति उत्पन्न होती है और महापाप का क्षय होता है, तो कहते हैं किम पुनः, तो फिर श्रद्धया करतो को, तो फिर श्रद्धा से विधि नाच, विधि के अनुसार पुरुषोत्तम व्रत का पालन करे, उसका क्या कहना। चेति मे मति, उसका उसका क्या कहना, सुनने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो और महापाप खत्म हो जाए तो किम पुनः। तो श्रद्धा से यदि कोई पुरुषोत्तम मास और विधि विधान का पालन करे तो उसका क्या कहना। अतः इसलिए आगे कहते हैं, अतः परम न किश्चिन में श्रोतव्य विशिष्यते पीयूष अनंत संतृप्तो न अन्य तोयम समीहिते। इसका अर्थ यह है कि इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के बाद और कुछ सुनने लायक बचता नहीं है। अतः परम न किश्चिन में श्रोतव्य विशिष्यते, विशेष श्रोतव्य, विशेष रूप से सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टांत देते हैं पीयूष्यंतंत संतृप्तो, पीयूष माने अमृत, अमृत पीकर जो संतृप्त, जो तृप्त हो चुका है, जैसे अमृत पीकर कोई तृप्त हो चुका है तो चौथी लाइन में न अन्य तोयम समीते, तो फिर उसको पानी की प्यास नहीं लग सकती। पीयूषान्त्यंत संतृप्तो, पीयूष अमृत पीकर जो तृप्त हो चुका है तो न तोयम, तोयम माने पानी, तो वो कभी पानी नहीं मांगेगा। ठीक उसी प्रकार पुरुषोत्तम व्रत और पुरुषोत्तम व्रत की महिमा यदि किसी ने सुन ली तो फिर आगे कुछ सुनने लायक नहीं बचता है।
तो इस प्रकार ये बात शिव जी ने पार्वती से कही और यही बात भगवान नारायण ने नारद मुनि से कही।